बलरामपुर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सक्सेना द्वारा जनपद में अपराध साइबर अपराधों की रोकथाम व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बलरामपुर नम्रता श्रीवास्तव व क्षेत्राधिकारी नगर दरवेश कुमार के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सरोज के कुशल नेतृत्व में थाना देहात अंतर्गत सहायक वाणिज्य कर आयुक्त बलरामपुर द्वारा एक अभियोग दर्ज कराया गया था, जिसमें यह आरोप था कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मैसर्स गुप्ता गल्ला भंडार उतरौला और मैसर्स खान ट्रेडर्स तुलसीपुर के नाम से फर्जी फर्म बनाकर रुपए 19,07,00,000 के फर्जी इनवॉइस द्वारा आउटवर्क सप्लाई करके जीएसटी चोरी की गई है। इस संबंध में थाना कोतवाली देहात द्वारा साइबर सेल का सहयोग लेते हुए विवेचना संपादित की गई। विवेचना के दौरान ये प्रकाश में आया कि जिन फर्म का पता तुलसीपुर और उतरौला में दर्शाया गया है, उस नाम की कोई भी फर्म वहाँ अस्तित्व में ही नहीं है। 10 फरवरी में वाणिज्य जीएसटी टीम ने उनके असिस्टेंट कमिश्नर से एक मुकदमा लिखवाया था कि कुछ लोगों ने फर्जी फॉर्म बनाकर जीएसटी चोरी की है। इसकी विवेचना हम लोगों ने की और ये विवेचना से हमें पता चला कि राहुल अग्रवाल पुत्र विजय अग्रवाल निवासी रानी बाजार थाना कोतवाली नगर जनपद गोंडा ये अपने नौकरों के नाम पर नौकरी के जो आधार कार्ड और उनका पैन कार्ड है उसका प्रयोग करके इन्होंने फर्जी फर्में बनाई और फर्मों के माध्यम से इन्होंने जीएसटी का चोरी किया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।